हेलो प्यारे बच्चे, आज हम लोग संविधान के दूसरे क्लास में उपस्थित हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे देसी रियासत और संविधान के भाग एक को नस्ते नाबूद करेंगे। उसके बाद जो है हम लोग आगे ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए हम लोग अपनी कहानियों को प्रारंभ करें। चलिए क्लास को प्रारंभ किया जा रहा है। ठीक है, देखिए आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं सबसे पहले देसी रियासत के बारे में। जब हमारा देश आजाद हो रहा था तो सबसे पहले भारत और पाकिस्तान में बट गया था। ठीक है, भारत एक अलग बन गया था और पाकिस्तान अलग बन गया था जब 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था। तो भारत के ही कुछ ऐसे पार्ट थे जैसे जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, ये भारत में नहीं आना जा रहा था। तो इसमें जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी और बीपी मेनन जी का बहुत बड़ा योगदान रहा था कि ये दोनों मिलकर के एक देसी रियासती मंत्रालय बनाए और रियासती मंत्रालय में इस पर चर्चा करके किसी तरह से कन्विंस करके इस सभी को भारत में मिलाए। तो किसको किस तरह से मिलाए इस चीज को हम लोग देख लेंगे। मात्र और मात्र तीन गो चार पांच गो क्वेश्चन यहाँ से बनता है, तो आप पांच क्वेश्चन को याद रखिएगा, उसके बाद हम लोग भाग एक में एंट्री कर जाएंगे। चलिए अब देखिए देसी रियासतों का भारत में विलय। देसी रियासती में जो है देसी रियासत को भारत में विलय करने में जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का और बीपी मेनन जी का अहम भूमिका था। तो सबसे पहले पूछेगा कि देसी रियासती मंत्रालय जो है या रियासती मंत्रालय किसके नेतृत्व में बनाया गया, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नेतृत्व में बनाया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नेतृत्व में रियासती मंत्रालय बनाया गया। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसका किसका रहा था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का और बीपी मेनन जी का जो है इसमें अहम भूमिका रहा था रियासती मंत्रालय को बनाने में और जो भी रियासत था उसको शामिल करने में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं MVPI, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। ठीक है, तो कहेगा आपको कि जूनागढ़ रियासत को किस संग्रह के आधार पर मिलाया गया, तो जूनागढ़ रियासत को जो है वह जनमत संग्रह के आधार पर मिलाया गया था। जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर, हैदराबाद रियासत को पुलिस कार्रवाई के आधार पर, पुलिस कार्रवाई या ऑपरेशन पोलो के आधार पर, उसके बाद जम्मू कश्मीर को विलय पत्र के आधार पर। सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वह हैदराबाद रियासत पूछा जाता है। पूछा जाता है कि हैदराबाद की रियासत को किस कार्रवाई के आधार पर मिलाया गया, तो पुलिस कार्रवाई या ऑपरेशन पोलो, पुलिस कार्रवाई या ऑपरेशन पोलो के आधार पर जो है हैदराबाद की रियासत को बनाया गया। ठीक है, जम्मू कश्मीर को विलय पत्र के आधार पर। एक बार मेरे साथ बोल दीजिए, चलिए बोलिए, जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर, हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के आधार पर और जम्मू कश्मीर को विलय पत्र के आधार पर। ठीक है, फिर से, रियासती मंत्रालय किसके द्वारा बनाया गया, वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा। उसके बाद इसमें अहम भूमिका किसका किसका था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन जी का था। जनमत संग्रह के आधार पर किसको मिलाया गया, जूनागढ़ को मिलाया गया। पुलिस कार्रवाई के आधार पर किसको मिलाया गया, हैदराबाद को मिलाया गया। विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके किसको मिलाया गया, तो जम्मू कश्मीर को मिलाया गया। ठीक है, यहां से आपका जो है रियासती मंत्रालय होता है समाप्त। अब हम लोग चलेंगे संविधान के भाग एक की ओर। हम लोग जानते हैं कि संविधान में कुल कितने भाग है, 22 भाग है, जिसमें क ख जोड़ करके अभी 25 किया गया है। चलिए अब देखिए ये भाग को पढ़ना हमारे लिए अति महत्वपूर्ण चीज है, भाग। ठीक है, चलिए देखिए हमारे भारतीय संविधान में कुल जो है 22 भाग है। भाग कितना है, 22 है। भाग कितना है, 22 है, लेकिन 22 को ख जोड़ करके है, टोटल अभी कितना हो गया है, 25 हो गया है। कितना हो गया है,
25 हो गया है, लेकिन मूल रूप से हमारे एग्जाम में यही पूछता है कि हमारे भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है, तो 22 भाग है। ठीक है, कहेगा क ख जोड़ करके जो बनाया गया है तब कितना है, तो 25 है, लेकिन मूल रूप से कितना है, 22 है। ठीक है, कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए, ये 22 को जो भाग है, इस 22 भाग को अलग अलग तरह से पढ़ेंगे। हम लोग प्रत्येक दिन एक भाग पढ़ेंगे तो 22 दिन में 22 भाग समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग आज पहले भाग को पढ़ेंगे। किसको? पहले भाग को। तो चलिए, भारतीय संविधान का भाग एक। ठीक है, भाग एक। अब देखिए, भाग एक में क्या कहा गया है? भाग एक में कहा गया है कि भारत जो है वह राज्यों का संघ है। भारत क्या है? राज्यों का संघ है। भाग एक में कहा गया है कि भारत भारत जो है वह राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है। ठीक है, उसके बाद क्या कहा गया कि इसमें भाग एक में किस अनुच्छेद से कितना अनुच्छेद तक है, कितने अनुच्छेद का वर्णन है? तो भाग एक में जो है वह अनुच्छेद 1 से 4 तक का वर्णन है। 1 से कहां तक? 4 तक। भाग एक में अनुच्छेद 1 से 4 तक का वर्णन है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि अनुच्छेद 1 में क्या है, अनुच्छेद 2 में क्या है, और अनुच्छेद 3 में क्या है, अनुच्छेद 4 में क्या है। इस सभी को जान लेंगे, भाग एक हमारा समाप्त हो जाएगा। आपने क्या सीखा? भारतीय संविधान में 22 भाग है, जिसके पहले भाग को पढ़ रहे हैं। पहले भाग को हम लोग क्या कहते हैं? पहले भाग में दिया गया कि भारत राज्यों का संघ है। भारत किसका संघ है? राज्यों का संघ है। और भाग एक में कितने अनुच्छेद का वर्णन है? अनुच्छेद 1 से 4 तक का वर्णन है। अनुच्छेद 1 से 4 तक का वर्णन है। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? चलिए, अब हम लोग जानते हैं अनुच्छेद 1, 2, 3, 4 भी क्या सभी लिखा गया है। ठीक है, चलिए अब इसको हम मिटाते हैं। अब देखिए, अब हमारा अनुच्छेद आता है, अनुच्छेद 1, 2, 3 और 4। ठीक है, भाग एक में अनुच्छेद 1 से 4 तक दिया गया है। अब देखिए, अनुच्छेद 1 में किसका वर्णन है? अनुच्छेद 1 में भी कहता है भारत, भारत या इंडिया, भारत या इंडिया जो है वह राज्यों का संघ है। क्या है? राज्यों का संघ है। राज्यों का क्या है? संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट है। इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट। नेक्स्ट जो है, इसमें कहता है कि नए राज्यों को हम लोग मिला सकते हैं। कौन मिला सकता है? किसके पास ये कर्म है, किसके पास ये पावर है कि यह जो है नए राज्यों को भारत में मिला सकता है? विदेश के जो राज्य है, अनुच्छेद 2 कहता है विदेश के जो दूसरे राज्य है उसे हम भारत में मिला सकते हैं, और वह कौन मिलाएगा? संसद मिलाएगा। संसद के पास यह शक्ति है, संसद के पास यह शक्ति है कि विदेशी राज्य को भारत में मिला सकता है, भारत में मिला सकता है, भारत में मिला सकता है, भारत में मिला सकता है। ठीक है, या नए राज्यों का प्रबंध, नए राज्यों का प्रबंध किसमें है? तो भाग 2 में, अनुच्छेद 2 में। अनुच्छेद 2 में विदेशी राज्यों को भारत में मिला सकते हैं या नए राज्य का निर्माण कर सकते हैं, और निर्माण कौन करेगा? संसद करेगा। कौन करेगा? संसद करेगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अनुच्छेद 3 कहता है, अनुच्छेद 3 कहता है कि जितने भी राज्य है, भारत के जितने 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है ना, इसके नाम में परिवर्तन या सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद जो है यह नाम में परिवर्तन कर सकता है,
नाम में परिवर्तन, नाम में या सीमा में, नाम में या सीमा में परिवर्तन, नाम में या सीमा में परिवर्तन कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है, ठीक है। नाम में परिवर्तन करेगा या सीमा में परिवर्तन करेगा, ठीक है। जैसे बिहार से झारखंड अलग हुआ, बिहार से उड़ीसा अलग हुआ, ठीक है, तो ये क्या हुआ, अलग हो गया ना, तो परिवर्तन कर सकता है, सीमा में भी परिवर्तन कर सकता है, नाम में भी परिवर्तन कर सकता है, किसके अनुसार, अनुच्छेद 3 के अनुसार। उसके बाद जब अनुच्छेद 4 में कहता है जब संसद अनुच्छेद 2 और 3 का कार्य कर रहा है तो राष्ट्रपति इसे नहीं रोक सकता है, राष्ट्रपति इसे नहीं रोक सकता है, जब 2 और 3 की कहानी चलता रहे तो राष्ट्रपति इसे नहीं रोक सकता है, इसमें कहता है अनुच्छेद 4 में कहता है, ठीक है, याद रहेगा इतना। चलिए एक बार रिवीजन करते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है, भारत अर्थात इंडिया जो है राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 कहता है विदेशी राज्यों को भारत में मिला सकते हैं या नए राज्यों का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि तीसरा अनुच्छेद कहता है कि नाम में परिवर्तन कर सकते हैं या सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं। चौथा में कहता है कि अगर अनुच्छेद 2 और 3 की कहानी संसद कर रहा है तो राष्ट्रपति उसे नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो अब आज हमारा भाग 1 समाप्त हुआ। इससे पहले भी हम लोग क्या पढ़े थे, पढ़े कि भारतीय संविधान में 22 भाग है, जिसमें पहले भाग में क्या कहा है कि भारत राज्यों का संघ है, और पहले भाग में अनुच्छेद 1 से 4 तक दिया गया है। उससे पहले पढ़े थे देशी रियासत, देशी रियासत को अपनाने में अहम भूमिका किसका किसका था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन जी का था। उसके बाद रियासती मंत्रालय किसके द्वारा बनाया गया, तो रियासती मंत्रालय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा बनाया गया। उसके बाद जूनागढ़ संग्रह को किसके आधार पर मिलाया गया, तो जनमत संग्रह के आधार पर। हैदराबाद रियासत को किसके आधार पर, तो ऑपरेशन पोलो या पुलिस कार्रवाई के आधार पर। उसके बाद जम्मू कश्मीर को किस आधार पर मिलाया गया, तो विलय पत्र के आधार पर मिलाया गया था। चलिए आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और भारतीय नागरिकता को पढ़ेंगे।